एट ग्लोबल स्पोर्ट्स की पूरी टीम को पिक ऑफ किया गया। आखिरी दो खिलाड़ी जीवित सोच समझ के खेलेंगे, वरना ग्लोबल स्पोर्ट्स के लिए जो मुश्किलें हैं वो ये खिलाड़ी बढ़ा सकता है। आग में तपाया स्प्लिट में नजर आ रहे हैं। पांचवा ये स्टेज और आपके पास 190 मीटर यानी कि जोन के अंदर ट्रैवल करना है। तो ये बिल्कुल, और लेकिन उससे पहले अगर बात कर ली जाए टीम रॉ टीम्स, उनका वो समापन देखने को मिल जाएगा। आगे प्लेयर्स का करीब आना अपने आप में ये शुभ संकेत नहीं है, बट चलिए व्हीकल के साथ कुछ चलने का प्रयास तो जरूर था, लेकिन अभी तक उसमें कामयाबी मिली नहीं और ये थोड़ा सा ओवर कमिटमेंट सॉर्ट ऑफ यहाँ पर जो लगा टीम विंड को ऑडिटेट करके। अब अगर इसी तरीके से आपके प्लेयर्स नॉक होते नजर आए तो टीम हाई बाइस मूवमेंट में जरूर कैपिटलाइज करना चाहिए, क्योंकि ड्यूरा की बात कर ली जाए चलिए उनको शायद वीकर से कुचल दिया। जी हाँ, इस पक्ष को तो कुचल दिया जाएगा, बट सेंस एक मात्र क्लॉक का प्लेयर टीम हाइड्रो की तरफ से जिन्होंने लगातार टीम विनकॉट की नाक में दम कर रखा है, और अब सवितार एकमात्र प्लेयर जो है शेष रहेगा टीम विनकॉट से, और टीम हाइड्रो कंप्लीटली अपर हैंड इस समय तो उनके पास नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ खेलना पड़ेगा सामने हाइड्रो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी। 1v1 का ये मुकाबला जरूर से था, बट ये मुकाबला हाइड्रा के खिलाड़ी यहाँ से जीत के जाएंगे ग्लोबल स्पोर्ट्स के निंजा बॉय बीस्ट स्लग एंड रैबिट के लिए।